बीते 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तमिल भाषा समझने वाले लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषिणी नाम के एआई टूल का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से हर किसी के मन में भाषिणी और एआई टूल को लेकर काफी जिज्ञासा देखी जा रही है। खैर, आपको बता दें कि भारत एआई को लेकर काफी एक्टिव है। बीते कुछ दिनों पहले ही नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान भी पीएम ने कई ऐसे एआई टूल्स का उल्लेख किया जो भारत या किसी देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ टूल्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं भाषिणी ऐप पर। भाषिणी असल में देश की अलग अलग भाषाओं को समझने, बोलने और सुनने का एक ऑनलाइन जरिया है। ये टूल एआई बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम पर काम करता है, जिसकी मदद से कई भारतीय भाषाओं को ट्रांसलेट करने की सुविधा मिलती है। भाषा दान नाम की रिपोजिटरी यानी स्टोरेज पोर्टल के साथ मिलकर भाषिणी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग भाषाओं से जुड़े इनपुट इकट्ठे किए जाते हैं। इसी इनपुट के साथ एक बड़ा डेटाबेस तैयार होता है। इस डेटाबेस का इस्तेमाल कर एआई को ट्रेनिंग दी जाती है और यूजर्स को बेहतर सुविधा प्रोवाइड की जाती है। आपको बता दें कि भाषिणी को फोन में ऐप डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुविधा एंड्रॉइड और iOS ऐप के साथ मौजूद है। दूसरा है ई मित्र। कृषि प्रधान देश भारत में बीते दिनों किसानों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट किसान ई मित्र को लॉन्च किया गया है। ई मित्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा है। इसके जरिए किसानों को इस योजना से जुड़े सवालों के जवाब तुरंत मिलेंगे। सबसे खास बात, इससे मिलने वाले जवाब बिल्कुल स्पष्ट और सटीक होंगे। इसके जरिए किसानों को पीएम किसान योजना के लिए उनके एप्लीकेशन का किस्त भुगतान, पात्रता समेत कई जरूरी अपडेट्स मिलेंगे। इसकी मदद से किसान अपना नंबर, जमीन से जुड़ी जानकारी और नया विवरण भी अपडेट कर सकते हैं। किसान इस टूल से लिखकर या बोल करके सवाल पूछ सकते हैं। ये टूल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के जरिए 24 घंटे उपलब्ध रहता है। ये चैटबॉट अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल जैसे 6 भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही ये देश की 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। तीसरा शब्द है क्योर एआई। 12 से 14 दिसंबर तक आयोजित हुए GPAI शिखर सम्मेलन के दौरान इमेजिंग तकनीक के लिए स्टार्टअप क्योर एआई ने एआई गेम चेंजर अवार्ड में पहला पुरस्कार हासिल किया। आपको बता दें, क्योर एआई हेल्थ सेक्टर में एआई का यूज करके एक्सरे, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के चित्रों को बेहतर और तेजी से समझने में मदद करता है। ये चेस्ट एक्सरे की व्याख्या करके तुरंत फेफड़ों से जुड़ी लगभग 30 बीमारियों का पता लगा सकता है। इससे डॉक्टरों को तुरंत पता लगाने में मदद मिलती है कि मरीज के साथ क्या हो रहा है और उसका तेजी से इलाज करते हैं। कुल मिलाकर क्योर एआई दुनिया भर के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को आसान और सस्ता बना रहा है। चौथा, वायसा। सुसाइड कंट्री के नाम से जाने जाने वाले भारत देश में मानसिक स्वास्थ्य उपकरण के तौर पर वायसा नाम का एक एआई आधारित चैटबॉट भी बनाया गया है। ये मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों को मुफ्त में सलाहकार चैट की सुविधा प्रदान करता है। वायसा लोगों को बेहतर महसूस कराने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार, थेरेपी, ध्यान, योग और मोटिवेशन इंटरव्यू जैसे टेक्निक का यूज करता है। इसके जरिए लोगों को तनाव कम करने और सोचने के तरीके में पॉजिटिव बदलाव करने में मदद मिलती है। पांचवा शब्द है एरावत एआई। बीते दिनों जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे कंप्यूटिंग विकास केंद्र में स्थापित एरावत सुपर कंप्यूटर 13,170 टेराफ्लॉप की गति के साथ भारत का सबसे बड़ा और तेज सुपर कंप्यूटर है। इस एआई सिस्टम को सरकार ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के भाग के रूप में स्थापित किया था। आपको बता दें, एआई सुपर कंप्यूटर अल्ट्रा फास्ट प्रोसेसर है, जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा का प्रबंधन और इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। आप अगर समाज को बेहतर बनाने वाले किसी अच्छे एआई टूल के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।